जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह के नेतृत्व में पराग डेयरी के बंद करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने बताया कि गोरखपुर की पराग डेयरी गोरखपुर देवरिया कुशीनगर महराजगंज जनपद के दूध उत्पादक किसानों की जीवन रेखा मानी जाती है। जिलों में स्थित सैकड़ों दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालक अपने दूध उचित मूल्य पर डेयरी को भेज पाते हैं और डेयरी के माध्यम से जन सामान्य को उचित दर पर बाजार की अपेक्षा ज्यादा दूध और दूध से निर्मित अन्य खाद्य सामग्री मिल पाती है। इस डेयरी से उन छोटे दुकानदारों पर भी अधिकता जुड़ी हुई है, इससे उत्पादित वस्तुओं के विपणन से जुड़े हैं। डेयरी के बंद होने से बड़ी संख्या में पशुपालक किसानों और डेयरी उत्पादित वस्तुओं के विपणन में लगे छोटे दुकानदारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पशुपालक किसानों डेयरी से उत्पादित सामग्री के विपणन में लगे लोगों और जन समस्याओं के हित में डेयरी बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाए और इसे नियमित रूप से चलाया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने कहा, पराग डेयरी जो गोरखपुर की पहचान है और लगभग 300 हमारी दुग्ध समितियां हैं जिससे हजारों किसान गोरखपुर मंडल के उससे जुड़े हुए हैं, अचानक से सरकार ने उसको बंद कर दिया और जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसे निजी हाथों में सौंपने की एक साजिश है। किसानों का दुग्ध का बकाया है जो सरकार इसकी जांच कराए बिना कि क्यों वो घाटे में है, कौन लोगों के कारण से वो लगातार घाटे में गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय दुग्ध उत्पादन जो पराग डेयरी को ही बंद करना एक निश्चित रूप से सरकार की तानाशाही है और इस इलाके के दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं उनके साथ अन्याय है, उनके आजीविका के साथ खिलवाड़ है और साथ ही साथ इस इलाके में रहने वाले लोग जो सस्ते दर पर जिनको डेयरी प्रोडक्ट मिलता है उनके शादी में विवाह में निजी आवश्यकताओं में उस सबसे वंचित करने का एक प्रयास है। तो कांग्रेस पार्टी आज सभी इससे जुड़े चारों जिले में कुशीनगर महाराजगंज गोरखपुर और देवरिया में आज ज्ञापन दे रही है और ज्ञापन दे करके कांग्रेस पार्टी इसको इस मामले में अपनी विरोध दर्ज करा रही है। हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि घाटा क्यों हुआ उसकी जांच कराई जाए और साथ ही साथ जो पराग डेयरी को बंद करने का जो फैसला है उसे वापस लिया जाए। इस क्षेत्र के किसानों के हक में और जो गोरखपुर की एक पहचान है उसे किसी कीमत पर हम समाप्त नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम संघर्ष करेंगे। विश्वविजय सिंह उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी।